नंबर 13 है, नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। दो तरह के प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब समानुपात, मतलब एक रेशियो उसको बोलते हैं। तो ये दो तरह का होता है भाई आपके, एक तो होता है भाई आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है भाई आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और एक होता है भाई आपके इनवर्स प्रोपोर्शन, एक होता है भाई आपके इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट तो है आपके 13.1 में और इनवर्स है आपके 13.2 में, ध्यान देना भाई। इसके लिए आपके एक्सरसाइज है 13.1 और इसके लिए आपके एक्सरसाइज दे रखी है 13.2। अब यहां तो एक्सरसाइज में बांट रखा है दो को, डायरेक्ट और इनवर्स को, लेकिन एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता है वो डायरेक्ट है या वो इनवर्स है। तो आपको माइंड लगाना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब डायरेक्ट कब काम आता है और इनवर्स का मतलब क्या होता है, दोनों बताते हैं आपको। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब क्या आता है, बताओ मुझे, ध्यान दोगे। अगर एक चीज बढ़ रहा है, अगर आपका वन आइटम, ऐसे मान लो कि दो आइटम है अलग अलग प्रकार, मान लो कोई भी दो अलग अलग वस्तु दे रखी है, आइटम मान लेते हैं ऐसे लिखा हुआ, अगर एक आइटम बढ़ रहा है तो सेकंड आइटम भी बढ़ेगा, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ेगा। जैसे अगर सिंपल में आपको एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि एक किलो 1 kg शुगर है, उसका जो रेट दे रखा है वो दे रखा है मान लो 40 रुपए। ये मान लो आपके क्वेश्चन में आ गया, सिंपल सा एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, एक किलो शक्कर का मूल्य कितना दे रखा है, शुगर का वैल्यू जो है वो दे रखा है 40 रुपीज दे रखा है 1 kg का। तो अगर मैं ये बढ़ाता हूं तो ये भी बढ़ेगा, मतलब दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, दोनों एक ही साइड, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। और ध्यान रखना भाई, अगर आपका एक घट रहा है तो दूसरा घटेगा भी, अगर एक इधर माइनस हो रहा है तो दूसरा भी माइनस होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा, ऐसे एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे 1 kg शुगर का मूल्य दे रखा है 40 रुपीज, अगर मैं इसको बढ़ाता हूं, इंक्रीज करता हूं, 1 kg करता हूं मैं यहां पर 2 kg, आप गए दुकान पर, शॉप पर गए, उसने रेट बताई 1 kg होगी 40 रुपए, आपने बोला मुझे 2 kg चाहिए, जैसे आपने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई तो ये भी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, ये हो जाएगा आपके 80 रुपीज। मतलब एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा वैल्यू भी बढ़ रहा है, और अगर आप उसका एवरेज निकालोगे, एवरेज आपके सेम ही आता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट में अगर से बनाकर देखूं, अगर टेबल बना के देखेंगे कि 1 kg का 40 रुपीज, 2 kg का 80 रुपीज, 3 kg का 120, 4 kg का आपके हो गया कितना 160। मतलब ये वाला वैल्यूम जो अब यहाँ पर एक रेशो निकलता है, एक रेशो सेम रहता है, मतलब 140 140 140 रेशो बन जाएगा। मतलब ये वाला वैल्यू में जो रेशो है वही रेशो आपके यहाँ पर है। अगर आप उन दोनों काटते हो ना आपस में, देखो ये वाला 1 time ये जाएगा 40 times, ये वाला 1 time ये जाएगा 40 times, 3 का टेबल, 4 से जाएगा 1 time, ये जाएगा 40 times, सब में एक ही रेशो आ रहा है, 140 का रेशो आ रहा है, सब में क्या रेशो आ रहा है, 140 का रेशो आ रहा है। मतलब जो रेशो आपके इधर है, मान लो कि x है और ये y है, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी इसका, x1 upon y1 = x2 upon y, मतलब जो रेशो इसमें है वही रेशो आपके इसमें होता। मतलब एक चीज अगर वैल्यू बढ़ रहा है ना तो दूसरा वैल्यू भी आपके बढ़ेगा। जैसे मान लो कि वेट है, जैसे मान लो बुक है, एक बुक का जो वेट है मान लो 500 ग्राम है, दो बुक रखेंगे तो 3 बुक, जैसे जैसे हम बुक्स बढ़ाएंगे वेट बढ़ता जाएगा। मतलब एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी माइनस हो रहा है। जैसे मान लो मैं गाड़ी में कहीं जा रहा हूँ या मैं पैदल ही जा रहा हूँ, अगर मैं 10 मिनट चलूंगा तो जितना एरिया, जितना हमने रास्ता किया ना, अगर ज्यादा देर चलोगे तो ज्यादा एरिया कवर होगा,
मतलब अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। एक होता है इनवर्स प्रपोर्शन, मतलब उल्टा चलता है। अगर एक वैल्यू आपके बढ़ रहा है तो एक वैल्यू आपके घट रहा है, तो बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। जैसे सिंपल सा आपको एग्जांपल लेते हैं कि आपकी स्कूल के अंदर टोटल टाइम जो है वो 5 आवर का है, 5 घंटे स्कूल चलेगी और उसमें 8 पीरियड है। जैसे मान लो 5 घंटे में छुट्टी भी होती है, ब्रेक भी होता है, सब कुछ कंप्लीट इसके साथ हमने ले लिया, और स्कूल के अंदर 8 पीरियड चल रहे हैं। कितने मिनट के चल रहे हैं? 45 मिनट के चल रहे हैं। अब टाइम वही रखना है और पीरियड को बढ़ाना है। जैसे ही आप पीरियड को बढ़ाओगे, बोलते हैं ना कि आप, जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 1 घंटे की क्लास है, इसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाने, तो आधा घंटा इसको आधा घंटा इसको, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, 1 घंटे की क्लास है और 2 सब्जेक्ट पढ़ाने, तो कितना टाइम लगेगा? 2 सब्जेक्ट में आपको आधे आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, मतलब कितना मिनट लगेगा आपके? 30-30 मिनट के पीरियड हो जाएंगे। नहीं, सर ने बोल दिया नहीं, ऐसा करते हैं 4 पीरियड, याद ऐसा करते हैं 3 पीरियड लेंगे हम, 1 घंटे कितने पीरियड लेंगे हम? 3 पीरियड लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 20-20 मिनट के 3 पीरियड हो जाएंगे। देखो ये वैल्यू बढ़ा, हमने पीरियड बढ़ाए, तो ये वैल्यू क्या हो गया? देखो पहले ज्यादा था, वैल्यू कम हो गया। अभी मैं कह दूं कि आज के 1 घंटे के अंदर हम 6 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मतलब हमने चैप्टर को बढ़ाया या हमने सब्जेक्ट को बढ़ाया, तो टाइम कम हो गया, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए केवल 10 मिनट रहा। तो जैसे जैसे हम देखो यहाँ पर एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घट रही है। जैसे मकान बनाना है मान लो, अब हम कहते हैं कि 1 महीने में मकान बनाना है, 10 आदमी लगेंगे। अब वो कहते हैं मुझे तो 10 दिन में बनाना है मकान, तो और ज्यादा आदमी चाहिए, मतलब मैंने टाइम को कम कर दिया। पहले जो 30 दिन में बन रहा था वो मैं मुझे 10 मिनट में बनाना है, 10 दिन में बनाना है, तो क्या होगा? और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, मतलब हमने टाइम कम कर दिया, तो जो पर्सन जो थे वो बढ़ गए, जो व्यक्ति जो थे वो बढ़ गए, मतलब एक चीज घटा रहे हैं तो एक चीज बढ़ रही है। या सिंपल हम और एग्जांपल लेता हूँ, देखो ध्यान देना, इनवर्स के एग्जांपल लेता हूँ और। जैसे अगर मान लो गाड़ी की स्पीड है आपका 80 किलोमीटर पर आवर और आप कहीं पर जा रहे हो, और आप कहीं जा रहे हो, आप वहां पर पहुंच गए कितनी देर में? 2 घंटे लगे आपको पहुंचने। कितने घंटे लगे थे आपको? 2 घंटे। जैसे ही आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, आपकी गाड़ी की स्पीड हो गई 120, या गाड़ी की स्पीड हो गई 160, या गाड़ी की स्पीड हो गई 200 किलोमीटर पर आवर, जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो आप जल्दी पहुंच गए, आप 1 घंटे में ही पहुंच गए। मतलब हमने ये वैल्यू बढ़ाया तो ये वैल्यू उल्टा माइनस हो गया, मतलब हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो क्या हुआ? जो ट्रेवल हम 2 आवर में कर रहे थे वो हम 1 आवर में ही कर रहे हैं, मतलब हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं लेकिन टाइम कम हो रहा है। तो इसका मतलब होता है इनवर्स प्रपोर्शन होता है। डायरेक्ट और इनवर्स दोनों ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसका फॉर्मूला ये है, और इसका फॉर्मूला होता है भी आपके x1 y1 equal x2 y2। इसमें एक वैल्यू बढ़ता है तो एक वैल्यू घटता है, और इसके अंदर या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर उसमें देखना है कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है, बस ये चीज को आपको वहां पर ध्यान देना है। यहां दे रखा है वेट, 1 kg वेट के अंदर जो कॉस्ट है ना वो है 18 रुपीज। मान लो कि हम कोई 1 किलो कोई भी चीज ले रहे हैं, उसका हमें 18 रुपीज देना पड़ रहा है, तो क्या होगा भाई? अगर आप 3 kg देंगे तो देखो ये वैल्यू बढ़ रहा है, ये वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये वैल्यू भी आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखो अगर इसको हमने बढ़ाया है 3 times तो ये भी बढ़ गया आपके 3 times, ये वैल्यू बढ़ गया है आपके 6 times, तो ये वैल्यू बढ़ गया अभी आपके 6 times। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट इनवर्स। को क्या बोलते हैं भाई? डायरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? डायरेक्ट बोलते हैं, मतलब अगर एक चीज ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तो बोलते हैं डायरेक्ट इनवर्स। अगर हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, देखो ये इसका 18 times है, अगर हमने इस वैल्यू को 10 times बढ़ाया है तो इस वैल्यू को भी क्या करो आप? 10 times बढ़ाओ, ये आएगा आपके 180। इसका फॉर्मूला भी है, ऐसे कर सकते हो आप, x1 upon y1 = होता है x2 upon y2।
मतलब ये x1 है और ये x2 है, मतलब 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू होगा दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, 10 अपॉन जो हमें फाइंड करना है ना ये वाला वैल्यू की जगह आप क्या मान लो यहाँ पर a मान लो, ऐसे मैं यहाँ पर a मान लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा आपके 180। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो सभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर वन दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी क्लोथ 210, मतलब 5 मीटर का दे रखा है 210 रुपीज दे रखा है। अगर आप क्लोथ लेने जाते हो 5 मीटर लेंगे तो इतना रुपीज आपको देना पड़ेगा, तो बताना है कि 2 मीटर लेने पर कितना आएगा, 4 में कितना आएगा, 10 में कितना आएगा, 13 में कितना आएगा, हमें बताना। ऐसा टेबल बना सकते हो ऐसे आप, ये तो है मीटर, ये तो क्या दे रखा है आपके, एक तो दे रखा है मीटर और ये दे रखा है आपके रुपीस में, हमारे पास ये और ये दे रखा है। अब देखो ये दे रखा है, बाकी के सारे वैल्यू क्या करने हैं भी आपको फाइंड करने हैं। फॉर्मूला मैंने आपको दिखा रखा है, पहले तो आपको चेक करना है कि वो कौन सा प्रोपोर्शन है। तो पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, पहले हमें क्या लिखना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट क्यों है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 5 मीटर क्लोथ अगर हम दुकान से लेने जाते हैं तो आपको 210 रुपीज देना पड़ रहा है। अब आपको माइंड लगाना है कि मैं जितना ज्यादा लूंगा उतना ही ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, और जितना कम कपड़ा, जितना हम कम क्लोथ खरीदेंगे, कम क्लोथ परचेज करेंगे, उतना हमें कम पैसा देना पड़ेगा। तो हमें कम क्लोथ के लिए कम पैसा देना पड़ेगा, ज्यादा के लिए ज्यादा देना पड़ेगा, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अगर डायरेक्ट है तो ये बाकी के देखो ये 2, 4, 10, 13 का फाइंड करना है। तो ऐसे आप टेबल बना सकते हो और इनको आप लिख सकते हो। अब जैसे मुझे मान लो ये वाला फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखो, हरे का हल लेना आपको फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर हमें इनको लेना है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है पहले बताओ, एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू, ये फॉर्मूले का आपको यूज में लेना है, लो यूज में और सॉल्व करो। सबसे पहले लेते हैं इन दोनों, हमेशा इसको तो लेना ही है, ये तो फिक्स है, इनको तो लेना ही है आपको, जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उसको तो लेना ही पड़ेगा आपको। हमें यहाँ पर लेना है इन दोनों को, मतलब 5 अपॉन 210, और ये दे रखा है 2, और ये y2 क्या करना है अभी आपको फाइंड करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आता है आपके 420 और ये आता है आपके 5y, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और y2 का वैल्यू आएगा 420 अपॉन 5, 5 का डिवाइड करो ये जाएगा आपके 84 और ये आएगा रुपीस, क्योंकि यहाँ आते हैं रुपए, तो रुपए आंसर ही आएगा आपको। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड, वापस आपको यही लिखना है ये वाली चीजें, मतलब 5 अपॉन 210 जो हमारे पास दिया हुआ ना वही आपको लिखना है, ऊपर मीटर नीचे रुपीस। अब हम लेंगे ये वाला 4 का फाइंड करना है, 4 और ये लेंगे y3, यहां पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा 5y3 इक्वल टू होता है आपके 840, इसको इसे मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और y3 का वैल्यू आएगा 840 अपॉन में 5। अब यहाँ पर देखो 8 का डबल डिवाइड करो, फिर जाएगा आपके 1 टाइम 3 बच गया, जाएगा 6 टाइम, फिर आपके कितना बच गया 4 बच गया, तब जाएगा आपके 8 टाइम 168 रुपीज आ जाएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, वापस ये और ये थर्ड वाला लेते हैं हम, मतलब ये वाला और ये वाला, ये दो लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अभी आपके 5 अपॉन 210 इजिकल टू ये दोनों 10 अपॉन y4, क्या करेंगे यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 5y4 इक्वल टू आएगा 2100, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में तो y4 का वैल्यू आएगा
2100 अपॉन 5, करो 5 का डिवाइड, 5 का डिवाइड यार यहाँ करेंगे डिवाइड तो हो जाएगा 21 का डबल 42 और ये आएगा आपके 420 रुपीज। अब लेते हैं यहाँ पर हम फोर्थ लेते हैं, फोर्थ में हम वही इसको तो लेना ही है आपको 5 upon 210 और यहां पर ये है 13 and y 5 वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो इजिकल टू, अब दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो नॉर्मली, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में तो y 5 इजिकल टू हो जाएगा 210 इंटू 13 अपॉन में मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, इसमें इसका डिवाइड करो तो हमने यहां पर किया भी था वो जीरो एक कम है तो यहां जीरो हटा दिए, इसमें इसका डिवाइड जाता है 42 टाइम और 13 का 13 है ही, करो मल्टीप्लाई 13 2 जा 26 52 और 2 होता है आपके 54, ये आ जाएगा इसका आंसर। एग्जांपल नंबर 2 आपके दे रखा है, एन इलेक्ट्रिकल पोल है, एक इलेक्ट्रिकल पोल है उसकी जो हाइट दे रखी है वो है आपके 14 मीटर, तो एक तुम्हारे पास हाइट दे रखी है और उसकी शैडो दे रखी है, साइड देखो हाइट दे रखी है और शैडो दे रखी है और साथ में देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री शैडो 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन, जैसे अगर देखो मैं इतना बड़ा हूं तो मेरी शैडो भी बड़ी होगी और अगर ये पेन है छोटा सा उसकी जो शैडो है अगर आप कहीं पर देखोगे तो छोटी होती, अगर कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसकी शैडो भी बड़ी होती है, अगर कोई व्यक्ति छोटा है तो शैडो भी क्या होती है छोटी होती है, तो अगर कोई वैल्यू बड़ा है तो बड़ा इस पर आएगा छोटा तो छोटा, मतलब ये क्या है डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और पता लगाना है कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है या फिर वो इनवर्स प्रपोर्शन है, तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, एक तो है हाइट, एक तो क्या लिखी हुई है आपके हाइट लिखी हुई है, हाइट है अभी आपके मीटर में और एक दे रखी है शैडो वो भी किसमें है अभी आपके मीटर में, अब क्वेश्चन में देखो ध्यान देना भी, हाइट है 14 मीटर और शैडो दे रखी है आपके 10 मीटर, फाइंड द हाइट, हाइट फाइंड करनी की क्या ना फाइंड हाइट, हाइट हमें क्या करनी है फाइंड करनी है और हमें देखो ध्यान देना इसकी जगह आप कुछ भी मान सकते हो जो मर्जी है जो मान सकते हो और क्या लिखा हुआ है शैडो दे रखी है 15 मीटर, फॉर्मूले के हिसाब से देखो ध्यान देना भाई, ये तो आपका कहलाता है एक्स वन, ये कहलाता है आपका वाई वन, ये कहलाता है आपका एक्स टू, इसको हम एक्स टू को अंदर भी लिख सकते हैं, ये आपका एक्स टू है और ये वाई टू आपके दे रखा है, ये हो गया भी आपका वाई, अगर हाइट बड़ी है तो शेडो बड़ी होगी, अगर कोई व्यक्ति छोटा है तो शेडो छोटी होती है, मतलब बड़े के लिए बड़ा और छोटे के लिए छोटा, तो उसके लिए आता है डायरेक्ट प्रपोर्शन, इसका मतलब ये जो दे रखा है वो क्या है आपके डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर देखना है कि वो डायरेक्ट है या वो इनवर्स है, जैसा ही मालूम चलता है तो लगाओ फॉर्मूला, फॉर्मूला ये कहलाता है एक्स वन अपॉन वाई वन इक्वल होगा एक्स टू अपॉन वाई टू, मतलब ये दोनों और ये दोनों आएंगे तो कितना हो जाएगा भी आपके 15 अपॉन 10 इजिकल टू हो जाएगा आपके x2 अपॉन 15, यहां पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 10 x2 और यहां मल्टीप्लाई करने पर आता है 210, अब मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में और x2 का वैल्यू आपके आने वाला है मल्टीपल का डिवाइड में दे दो तो ये आता है आपके 210 अपॉन 10 काट देंगे 0 0 x2 का वैल्यू आ गया है आपके 21, या कह सकते हो हाइट ऑफ ये देर का आपके किसकी हाइट फाइंड करनी ट्री की हाइट फाइंड करनी
ये आ जाएगी आपके हाई टॉप थ्री आ जाएगी, ये आ जाएगा हाई टॉप थ्री। एग्जाम्पल नंबर थ्री आपके दे रखा है, इफ हाइट ऑफ 12 शीट ऑफ थिक पेपर 40 ग्राम, मतलब हमारे पास 12 पेपर का दे रखा है, उसको अगर हम वेट करते हैं ना तो वो 40 ग्राम का होता है। हमारे पास 12 पेपर है, उसको अगर आप वेट करोगे तो 40 ग्राम होता है। तो हाउ मैनी शीट ऑफ सेम पेपर वुड वेट टू, मतलब 2 1/2 के जी, मतलब 2.5 के जी आप कह सकते हो। तो इतना के जी होने के लिए, मतलब हमारे पास 40 ग्राम का पेज हुए, ध्यान देना भाई, 12 सीट है इसमें 40 ग्राम हो जाता है, हमें चाहिए मतलब 2.5 किलो चाहिए, हमें 2.5 कह दो, इतने के जी हमें चाहिए। तो मतलब बहुत ज्यादा चीज है, ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो पेपर भी बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे होता है मान लो मैं टमाटर लेने जा रहा हूँ, 40 ग्राम टमाटर लेने और मुझे 2.5 किलो टमाटर लेने, तो मुझे और टमाटर डालते रहेंगे जैसे जैसे उसका वेट बढ़ता रहेगा। मतलब अगर आपको ज्यादा वेट में टमाटर चाहिए ना तो आपको ज्यादा टमाटर डालने पड़ेंगे। मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी। अब आपको दिमाग लगाना है कि वो डायरेक्ट है या वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। हमारे पास दो चीजें हैं, देखो ध्यान देना, हमारे पास कितनी चीजें हैं भाई, दो चीजें हैं। पहला तो है भाई आपके पास पेपर ऑफ शीट, पेपर्स, और दूसरा है भाई आप पेपर्स तो है नंबर के अंदर, पेपर किसमें है भाई आपके नंबर के अंदर, और दूसरा है इसका वेट। वेट जो है वो ग्राम में ले लो, या तो ले लो ग्राम में या ले लो किलोग्राम में, दोनों में से कोई एक आपको लेना है। अब देखो यहां पर हमारे पास दे रखा है 12 सीट का जो वेट है वो दे रखा है 40 ग्राम। अब हमें यहां पर पहले वेट निकालना पड़ेगा, ध्यान देना भाई, यहां पर आपके ग्राम है, ये ग्राम है, ये भी ग्राम ही होना चाहिए क्योंकि लाइन पूरा ग्राम का लाइन है। देखो ध्यान देना भाई, ये है आपके किलोग्राम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 2 4 + 1 होता है 5/2, मतलब 5 का हाफ। नियम है कि 1 kg के अंदर होता है आपके 1000 ग्राम, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अगर आपको किलोग्राम में ग्राम में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये होता है 5/2 × 1000 करना पड़ेगा, तो ये आता है आपके 5000/2, तो ये आता है अभी आपके 2500, और वो हम यहां पर लिखेंगे, मतलब 40 ग्राम से 2500 ग्राम करना है। तो बताना है कि कितने पेपर आएंगे, ये हमें फाइंड करना है, इसको हम x2 मान सकते हैं, ये आपका x2 हो गया, ऐसे आप मान सकते हैं। अब आपको पहले पता लगाना है कि डायरेक्ट है या इनवर्स है, तो हम यहां लिखेंगे ये वाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये क्या है भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर आपको पेपर का वेट बढ़ाना है तो पेपर और रखने पड़ेंगे, जितना वेट बढ़ाओगे पेपर भी बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा भी बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, दोनों चीजें साथ में बढ़ रही है तो इसका मतलब वो क्या है आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये हो जाएगा x1/y1 = x2/y2, और आप चाहो तो रेशो से भी कर सकते हो, रेशो से करोगे ऐसा, देखो रेशो से करते ऐसा होता है x1/y1 = होता है, फॉर्मूला ये तो आप बाद में देख लेंगे, ये बात ये लिखा हुआ है, ये पहले हमें इससे करो, एक से ज्यादा अच्छा रहेगा, रेशो से करेंगे तो आपका और गड़बड़ हो जाएगा, इनको और इनको साथ में, मतलब 12/40 और ये दोनों साथ में लेने, x2/2500 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 40x2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं आता है 30000, कितना आता है भाई 30000, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x2 का वैल्यू आएगा 30000
अपॉन में 40, 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड करो 7 टाइम 5 टाइम 0 टाइम, मतलब आपको इतने पेपर चाहिए तब जाके वेट 2.5 किलो होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है, ए ट्रेन इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी की स्पीड बिल्कुल सेम है 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 आवर के अंदर 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होता है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, 20 मिनट में कितना होगा और 250 किलोमीटर में कितना टाइम चाहिए, दो चीजें हमें पूछी गई है। इसमें एक तो टाइम है और एक आपके देर का है डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस पर ज्यादा ध्यान दिया गया। तो एक तो है भाई आपके पास टाइम और एक है आपके पास डिस्टेंस, तो मैं एक तो ले रहा हूं टाइम, टाइम में ले रहा हूं मिनट के अंदर, टाइम किसमें ले रहा हूं मैं मिनट के अंदर ले रहा हूं, क्योंकि यहां पर मिनट में पूछा गया टाइम मिनट में ले लेते। दूसरा है भाई आपके डिस्टेंस, और डिस्टेंस ले रहा हूं मैं किलोमीटर में, यहां लिखा हुआ है 75 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, मतलब एक घंटे में 75 किलोमीटर चलना है, मतलब 1 आवर, ध्यान देना भाई यहां लिखा हुआ है 1 आवर लिखा हुआ है, और 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट होता है। देखो गाड़ी की स्पीड फिक्स है, स्पीड में कोई चेंज नहीं कर रहे, गाड़ी भी फिक्स है, अब जितना टाइम गाड़ी चलेगा उतना डिस्टेंस कवर होगा, गाड़ी कम चलेगा तो डिस्टेंस कम कवर होगा, गाड़ी ज्यादा चलेगा तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, इसका मतलब ये क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका मतलब ये क्या है अभी आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और फॉर्मूला क्या लगेगा अभी आपके, एक्स वन अपॉन वाई वन इजिकल टू होता है एक्स टू अपॉन वाई, और देखो हमारे पास दे रखी है गाड़ी की स्पीड दे रखी है वो है आपके 75 किलोमीटर पर आवर, जिसका मतलब होता है अगर आपके पास 1 आवर है तो आप 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हो, लेकिन यहां पर टाइम मैंने मिनट में लिया तो मिनट में कर सकते हो, 1 आवर में होता है 60 मिनट, मतलब 60 मिनट के अंदर आप 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, वही चीज हम यहां पर लिखेंगे। कितना देर का भाई आपके 60 मिनट का टाइम है और डिस्टेंस कवर होता है 75 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है देखो यहां पर टाइम आएगा और यहां पर किलोमीटर आएगा, टाइम देर का है 20 तो बताना है कि यहां पर क्या आएगा, मतलब यहां पर हमें वाई मान लो, और डिस्टेंस दे रखा है 250 किलोमीटर तो बताना है कि टाइम कितना है। आप चलो ऊपर नीचे कर सकते हो डिस्टेंस टाइम को, ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब हमें दो चीजें याद करनी, एक्स भी याद करना है वाई भी याद करना है, एक बार तो लेंगे इन दोनों को, एक बार लेंगे इन दोनों को, एक बार हम लेते हैं 60 अपॉन 75 इजिकल टू होता है 20 अपॉन वाई, यहां पर करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा आपके 60y इजिकल टू होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आता है आपके 1500, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और y का वैल्यू आएगा 1500 अपॉन 60। अब डिवाइड करें बताओ क्या आंसर आने वाला अभी आपके, सिक्स का डिवाइड जाएगा पहले 2 टाइम, इसे बच गया अभी आपके 3, अब डिवाइड जाएगा 5 टाइम, मतलब 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर होगा, कितनी देर में होगा भाई 20 मिनट के अंदर। अब आते हैं इधर, अब हमें लेना है इन दोनों को, मतलब ये हो जाएगा आपके कितना 60 अपॉन 75 इजिकल टू हो जाएगा ये दोनों x अपॉन 250, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर देखो यहां पर आता है 75x
और ये आता है 60 × 250 मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और x का वैल्यू आ जाएगा 60 × 250 / 70 डिवाइड में गया, अब डिवाइड करो सॉल्व करो। देखो भाई 25 का डिवाइड जा रहा है इधर, जा रहा है 3 times, इधर जा रहा है 10 times, 3 का डिवाइड यहां पर जा रहा है कितनी बार 20 times। देखो भाई ये काट दिया नंबर, ये 3 times 10 times 3 का यहाँ जाएगा 20 times, दोनों मल्टीप्लाई करते थे आता है आपके 200। और ये जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, मिनट के अंदर आएगा, ये हो गया आपके 200 minutes। आप तो इसको आवर्स में चेंज कर सकते हैं, अगर आवर्स में चेंज करना है तो ऐसा करना पड़ेगा भैया, मतलब 60 का डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो आवर्स में चेंज जाए। ये डिवाइड जाएगा आपके 3 times, कितने बच गया भैया आपके 20, इसका मतलब है 3 hours and 20 minutes। इसके लिए आपको 60 का ही डिवाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना भाई। तो ये हो जाए, आप चाहो तो ये लिखो, आप चाहो तो ये लिखो, दोनों आंसर आपके राइट। एग्जाम्पल नंबर 5 देर का है, द स्केल ऑफ मेप इज गिवन 1 एंड यहां पर लिखा हुआ है आपके ये 3 crore, ये क्या है मीटर है, क्यों है मीटर, यहां लिखा हुआ है ये स्केल देर का है 1 centimeter = 300 kilometers। अगर मैं इस वैल्यू के अंदर 1000 का डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा ऑटोमेटिक आपके 300 किलोमीटर आ जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर दे रहा है, क्या दे रहा भाई 1, और ये इसका रेशियो दे रखा है सेंटीमीटर का। तो पहले आपको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, पहले आपको मीटर में चेंज करना है, फिर आपको किलोमीटर में चेंज करना है। तो ये सेंटीमीटर है, ये क्या है सेंटीमीटर, ये क्या लिखा हुआ 1 centimeter, ये क्या है आपके सेंटीमीटर के अंदर, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। हमें बताना है कि 1 centimeter में इतना एरिया आता है, तो बताना है कि 4 centimeter में कितना एरिया आएगा। अब 1 के अंदर इतना एरिया तो 4 में ज्यादा ही आएगा एरिया, वो हमें बताना है। तो यहां पर देखो ध्यान देना भाई, देखो 1 kilometer में होता है आपके 1000 meters एंड 1 meter में होता है आपके 100 centimeters। अब यहां पर हमारे पास रेशो तो देर का है, रेशो को इसके लिए हम बनाते हैं यहां पर टेबल। देखो अगर मैं यहां पर टेबल बनाऊं, अगर मैं ऐसे एक टेबल बनाता हूं तो देखो यहां पर तो आएगा भाई आपका स्केल और वो आएगा भाई आपके सेंटीमीटर के अंदर, जो है 1 centimeter है, और दूसरा है भाई आपका जो एरिया है ये दे रखा है आपके स्केल के अंदर, डिस्टेंस दे रखा है, या आप एरिया भी कह सकते हो डिस्टेंस, वो किसमें है भाई आपके किलोमीटर के अंदर है, वो लिखा हुआ ये 300। और नहीं लिखा हुआ होता तो वहां पर यहां से निकाल लेते, क्योंकि ये जो देर का ना आपके इसके अंदर, देखो पहले हमें 100 का डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा, फिर हम 1000 का डिवाइड करेंगे तो वो आपके किलोमीटर में बदल जाएगा। तो ये कट गया सब, ये सब कट गया, तो ये आ गया आपके 300 kilometers, कितना हो गया भाई 300 kilometers, 1 centimeter में कितना आ रहा है 300 kilometers आ रहा है। अब हमें बताना है कि 4 centimeter में यहाँ पर कितना आएगा, ये हमें क्या करना है फाइंड करना। अब 1 में इतना आ रहा है 300, 4 में ज्यादा ही आएगा भाई। अब मैं कम एरिया लूंगा तो कम डिस्टेंस आएगा, ज्यादा लूंगा तो ज्यादा डिस्टेंस आएगा। तो इसमें ले क्या आएगा आपके डायरेक्ट आएगा, क्या आएगा भाई आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है भाई आपके, x1/y1 = होता है x2/y, ये होता है। लगाओ फॉर्मूला और सॉल्व करो, 1/300 = आएगा भाई 4/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y का वैल्यू आपके आएगा मल्टीप्लाई करने पर
1200, और ये जो आंसर है वो किसमें है, किलोमीटर के अंदर है, तो ये आएगा 1200 किलोमीटर। हेलो, हाँ कटकटा हुआ था। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके दे रखा है, 6 पाइप आर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। देखो ये पानी का टैंक बना हुआ है, ये है पानी का एक टैंक दे रखा है, और टैंक के अंदर लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पाइप लगे हुए हैं, और उसको भरने में लगता है 1 आवर एंड 60 मिनट लगता है, पूरे टैंक को भरने में कितना लगता है, 1 आवर एंड 60 मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट फाइव पाइप। देखो हमने पाइप को कम कर दिया, हमें ये देखना है कि डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है। देखो ध्यान देना भाई, पहले पाइप 6 थे तो टाइम कम ले रहा था, अब पाइप हमने कम कर दिए तो टाइम ज्यादा लेगा। देखो पहले इसमें 6 पाइप से पानी भर रहा था, अब केवल 5 पाइप से ही पानी भर रहा है, तो हमने पाइप के नंबर को कम किया तो टाइम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि हम एक पाइप बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा भाई जो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, मतलब एक चीज को कम कर रहे हैं, पाइप को हम कम कर रहे हैं, तो यहां पर जो टाइम है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो ज्यादा पाइप है तो ज्यादा भरेगा और कम पाइप है तो कम भरेगा। इसमें क्या देखो ध्यान, कम पाइप में टाइम ज्यादा लगता है और ज्यादा पाइप में टाइम कम लगता है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, इसका मतलब क्या है, इनवर्स है। इसका मतलब आपको पता लगाना है कि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन, ये हो जाएगा आपके इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इनवर्स प्रोपोर्शन की बनाएंगे हम, यहां पर एक टेबल बनाते हैं, तो ये बनाते हैं इसकी एक टेबल, यहां बना देते हैं, बस ये देखना है कि इनवर्स है या फिर ये डायरेक्ट है, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, पाइप्स, एक तो है नंबर ऑफ पाइप, एक है आपके नंबर ऑफ पाइप्स, और एक देर का है टाइम। अब टाइम या तो लेना है आवर्स में या लेना है मिनट में, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मान लो कि मैं यहां पर ले रहा हूं मिनट के अंदर ले रहा हूं, किस में ले रहा हूं भाई, मिनट में, तो नियम है कि 1 आवर के अंदर होता है 60 मिनट, 1 आवर देखो 60 मिनट। अब यहां देखो पाइप कितने हैं, पाइप 6 है, और टाइम कितना है 1 आवर 60 मिनट, 1 आवर का मतलब होता है 60 मिनट, तो 60 तो हो गया ये, और 20 ये, तो टोटल हो गया भी आपके 80। अब हमें बताना है कि अगर पाइप कम कर दें, ये नंबर हमने कम कर दिया तो टाइम ज्यादा लगेगा, अब कितना लगेगा वो क्या करना है भाई, आपको फाइंड करना है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये एक इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्स में क्या होता है, एक चीज घट रही है तो एक चीज बढ़ रही होती है, उसका फॉर्मूला क्या है भैया फाइंड करने का, x1 y1, मतलब x1 into y1 फिजिकल टू होता है x2 into y2, मतलब इसको हम क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये आपका है x1, ये है आपका xy1, क्योंकि ऊपर होता है x नीचे होता है y, तो ये आएगा x1 y1, और ये होगा आपके x2 y2, क्योंकि यहां पर ऊपर वाला वैल्यू आपके x कहलाता है, नीचे वाला वैल्यू y कहलाता है, तो ये पहली लाइन है तो 1 1, सेकेंड लाइन है तो 2 2। अगर यहां पर देखो सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपके 6 into 80 इजिकल टू, दोनों मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा भी आपके 5 into y2। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो y2 का वैल्यू आ जाएगा 6 into 80 upon 5, ये मल्टीपल का यहां जाएगा डिवाइड में, अब 6 का 6 5 का डिवाइड यहां पर करते हैं तो कितनी बार जाएगा भी आपके, 18 का डबल कितना होता है 160, मतलब 16 बार भाग जाएगा, 16 बार, दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है आपके कितना, 16 6 96। अब आपके क्वेश्चन में 1 आवर 20 मिनट, मतलब आवर्स में और मिनट में, इसको भी आप आवर्स मिनट में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे, इसको दो भाग कर देंगे, इसके 60 अलग कर देंगे और 30 अलग कर देंगे, ये भी मिनट है और ये भी मिनट है, 1 आवर में होता 60 मिनट होता, हम क्या करेंगे 36 आएगा यहां पर, देखो इसका मतलब होगा आपके 1 आवर
और ये क्या आ जाएगा 36 मिनट, ये क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई डाउट है तो बोलो भाई। एग्जाम्पल नंबर 8 आपके दे रखा है, देयर आर 100 स्टूडेंट इन हॉस्टल, एक हॉस्टल है और हॉस्टल के अंदर 100 स्टूडेंट है। फूड प्रोविजन फॉर 20 डेज, मतलब जो खाना जो है ना वो 20 दिन चल जाएगा, इतना खाना उनके पास है कि 100 बच्चों को हम 20 डेज तक खाना खिला सकते हैं, डिनर खिला सकते हैं। हाउ लॉन्ग दीज प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। जैसे ही बच्चे बढ़ेंगे, बच्चे बढ़ रहे हैं तो बच्चे बढ़ेंगे तो जो खाना 25 दिन तक मतलब 20 दिन तक खा रहे थे ना वो कम टाइम चलेगा, क्योंकि बच्चे और बढ़ गए। बच्चे बढ़ने के कारण जो भी हमारे पास खाने का था वो अब कम टाइम ही चलेगा, मतलब बच्चे तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन वो नंबर क्या है अभी आपके, जितने दिन पहले खाना चल रहा था उससे कम खाना ही चलेगा। तो ये क्या है, इनवर्स है। अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना भाई। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ टेबल, एक ऐसे टेबल बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान लगा देना भाई। एक तो है भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, हम यहां लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहां लिखा हुआ है फूड प्रोविजन। फूड जो है वो कितने दिन चलेगा ये हमें बताना है। फूड कितने चलेगा हमें बताना, ध्यान देना भाई। पहले स्टूडेंट कितने थे, 100 थे, तो कितने दिन चलता था खाना, 20 डेज चलता था। जैसे बच्चे बढ़ेंगे टाइम आपके पास, मान लो आप खुद ही खाना लेके आए हैं, अगर आप 5 प्लेट है, 5 स्टूडेंट है, खाना खाओगे तो आराम से आ जाएगा। जैसे ही 2-10 स्टूडेंट और बढ़ेंगे ना तो अपनी थाली का जो खाना है ना वो भी उनको देना पड़ेगा, मतलब खाना जो हम ज्यादा खा रहे थे वो अब हमें कम खाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे और बढ़ गए। अब बच्चे कितने इंक्रीज हुए, 25 बच्चे इंक्रीज हो गए, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ना ये आएगा 100 तो था ही, 25 मोर देन, मोर मतलब बढ़ गया, पहले था 100 फिर 25 बढ़ गए तो यहां पर आएगा आपके 125 आएगा। अब बताना है कि अब ये कितने दिन चलेगा ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो ये है आपका X1, ये है आपका Y1, ये है आपका X2 और ये है आपका Y2। अगर बच्चे बढ़ेंगे तो टाइम कम हो जाएगा, इसका मतलब एक चीज बढ़ रहा है एक चीज घट रहा है, इसका मतलब है ये आएगा आपके इनवर्स, ये क्या हो जाएगा भाई आपके इनवर्स प्रोपोर्शन। क्वेश्चन को ध्यान से देखकर पढ़ के बताना है कि वो इनवर्स है या वो डायरेक्ट है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, X1 Y1 इज इक्वल टू होता है X2 Y2। अब इसमें ध्यान देना, सिंपल सा है, X1 Y1 कितना है, ये रहा ये दोनों, X1 तो है आपके 100, Y1 है भी आपके 20, X2 Y2 मतलब ये हो गया भी आपके 125, और Y2 क्या करना है भी आपको फाइंड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है आपके 2000 इजिकल टू होता है 125 Y2। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में तो Y2 का जो वैल्यू है वो आने वाला है 2000 upon 125। करो डिवाइड, अब दोनों के अंदर किसका डिवाइड जा रहा है, दोनों के अंदर आपके 25 का डिवाइड जा रहा है, इधर तो जा रहा है 25 का डिवाइड 5 टाइम, इधर जा रहा है 8 टाइम और 0 का 0। अब हमें यहां पर Y2 फाइंड करना है, तो 80 के अंदर मुझे 5 का डिवाइड करना है तो Y2 आ जाएगा। अब जो खाना है ना वो आपके केवल 16 डेज चलेगा, जो भी खाना है आपके पास वो 16 डेज के लिए ही बचेगा। एग्जाम्पल नंबर 9 आपके दे रखा है, इफ 15 वर्कर कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर, अगर 15 पर्सन है, व्यक्ति दे रखे हैं, 15 वर्कर है, फिक्स वर्कर दे रखे हैं जो किसी वॉल को बना रहे, दीवार को बना रहे, कितने दिन में बना रहे हैं, 48 आवर में बना रहे हैं। How many worker will be required to the same work in 30 hour? देखो पहले टाइम ज्यादा लग रहा था, अब वो बोल रहा है कि आपको 48 आवर में नहीं करना है, आपको 30 आवर में ही करना है, बहुत जल्दी काम करना है।
अगर जल्दी काम करना है तो आपको और ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा वर्कर की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमें टाइम ने कम कर दिया तो हमें वर्कर को बढ़ाना पड़ेगा। एक वैल्यू घट रहा है तो एक वैल्यू बढ़ रहा है। इसका थोड़ा आपको ध्यान देना। जैसे मान लो ये आपकी टेबल है, एक तो है भाई आपके नंबर ऑफ वर्कर, एक तो हो जाएगा भाई आपके नंबर ऑफ वर्कर, और एक हो जाएगा भाई आपके टाइम दे रखा है वॉल बनाने के लिए, टाइम फॉर वॉल। उन्होंने टाइम मांगा वॉल के लिए, और टाइम जो है वो किसमें है भाई आपके आवर्स में। इनका थोड़ा आपको ध्यान देना, ध्यान देना भाई। 15 वर्कर, वर्कर जो है ना वो 48 आवर में कंप्लीट कर देंगे, पूरी दीवार बना देंगे। लेकिन उसको चाहिए कि ये जो काम है ना केवल 30 आवर्स में ही होना चाहिए, जल्दी होना है। अगर जल्दी चाहिए आपको काम, जल्दी करवाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, और वर्कर चाहिए। मतलब वर्कर हमें ज्यादा चाहिए। ये चीज तो कम हो गई बट ये चीज बढ़ेगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं ये क्या है आपका x2 है, फाइंड करना है। ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये x2 है और ये है आपका y2। एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी, तो वहां आता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमें यहां पर लिखना है ये क्या है भाई, एक इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, x1 y1 इक्वल टू होता है x2 y2। लगाओ फॉर्मूला, वैल्यू पुट करो तो इसका आंसर आ जाएगा। एक तो है 15, ये वाला, ये दोनों 15 इंटू 48, ये दोनों x2 का x2 एंड 30, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 15 8 जा 120, पीछे बचेगा 12, 60 और 12 होता है 720, इजिकल टू आता है 30x2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में। तो हमने जो x2 निकालना है ना, ये मल्टीपल का डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 720/30। 0 0 कैंसिल हो गया, बाकी नंबर आपको काटना है। मतलब इसका डिवाइड इसमें जाता है पहले 2 टाइम, फिर 1 बचेगा तो 4 टाइम। अगर जैसे आप यहाँ पर डिवाइड करते हो, आपका आंसर आएगा x2 इजिकल टू आ जाएगा कितना, 24। और ये क्या है, वर्कर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमें 24 वर्कर की रिक्वायरमेंट है।